हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आर्ट एंड क्राफ्ट में पेपर से फ्लावर। ये पेपर आर्ट का बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन है, इसे आप इजीली अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। और आर्ट एंड क्राफ्ट में भी बच्चों को ये प्रोजेक्ट्स के तौर पे दिया जाता है पेपर से फ्लावर बनाने का। आप इसे इजीली बना सकते हैं। आइए, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगी 5x20 cm की स्ट्रिप, 6x30 cm की स्ट्रिप्स। 5x20 cm की स्ट्रिप को लेकर डबल फोल्ड कर लिया हमने। हमने स्काई ब्लू कलर लिया, अब चाहे तो कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। अब स्केल की हेल्प से इस पर मार्किंग कर रहे हैं। 1/2 cm का हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब उसके बाद इसको बिल्कुल बारीक बारीक स्ट्रिप्स में काट लेंगे। 1/2 cm का जो हमने पीछे स्केलिंग की है वहीं तक काटेंगे, नीचे का 1/2 cm छोड़ देंगे, उसे कटिंग नहीं करना है। इस तरह से हमने पूरी स्ट्रिप्स पे पतली पतली स्ट्रिप्स की कटिंग बना ली है। ये हमने लास्ट का कॉर्नर ओपन करने के बाद ग्लू लगा के से पेस्ट कर दिया है। ये हमने ग्रीन कलर की छोटी स्ट्रिप ली है, 6x4 cm की। अब इसको बारीक बारीक कटिंग कर रहे हैं, इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हमने ली है 2x6 cm की स्ट्रिप्स। इससे हम लीफ कटिंग कर रहे हैं। लीफ के शेप की हमने कटिंग्स बना ली हैं। अभी हम बड़ी वाली स्ट्रिप ले रहे हैं, इसको भी बीच में से डबल फोल्ड किया है। नीचे से 1 cm का गैप बना लेंगे, लाइनिंग ड्रॉ करी है हमने। अब इसको भी पतली पतली स्ट्रिप्स में कटिंग कर लेंगे। ये स्टेप से हमने कॉर्नर्स कट कर दिए हैं। ये स्टेप से हमारी सारी कटिंग्स हमने तैयार कर ली हैं। अब इसे सीजर या किसी भी राउंड चीज़ की हेल्प से कर्ल कर लेंगे। पेन, स्केल, सीजर किसी की भी हेल्प से कर्ल कर लेंगे। अब जो हमने स्काई ब्लू कलर की जो स्ट्रिप तैयार की थी उस पर नीचे की लाइनिंग में ग्लू लगा दिया है, और इसे हमने एक स्टिक तैयार कर रखी है ग्रीन कलर के पेपर की, उस पर रोल कर दिया है। ये इस तरह से हमने रोल कर दिया है। अब येलो कलर वाली स्ट्रिप ले रहे हैं, इसको इसी के ऊपर से ग्लू लगा के पेस्ट करते हुए राउंड रोल करेंगे। ये इस तरह से पूरा रोल कर लेंगे। ग्लू लगा रखा है नीचे की लाइनिंग पे ताकि ये पेस्ट हो जाए। अब इसके ऊपर से हमने जो ग्रीन स्ट्रिप कटिंग की थी इसको पेस्ट कर दिया हमने। फ्लावर के नीचे के पेटल बन गए हैं। अब इस पर लीफ बना लगा देंगे। ये हमने लीफ अटैच कर दी है ग्लू की हेल्प से। ये हमारा फ्लावर तैयार हो गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।